स्वागत है दोस्तों विलेसिस ट्रैवलिंग के एक और नए वीडियो में। और मैं अभी हूँ कन्नूर रेलवे स्टेशन पे, 8 बजे की मेरी ट्रेन है मैंगलोर के लिए। तो आज मैं मैंगलोर जाने वाला हूँ और वहाँ पे एक दिन स्पेंड करने वाला हूँ। तो आपको मैंगलोर का डिटेल टूर देने वाला हूँ आज मैं। तो वीडियो में बने रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो अभी मैं मैंगलुरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूं। केरला से अब मैं आ गया हूं कर्नाटका में। मैंगलोर ये कोस्टल कर्नाटका में आता है। लास्ट ईयर मैंने कोस्टल कर्नाटका का एक टूर किया था मेरे दोस्तों के साथ। तब मैं गया था गोकर्णा, फिर मुरुदेश्वर और याना केव। उस वक्त मैं कवर करना चाहता था उडुपी और मैंगलोर भी, लेकिन तब मेरे दोस्तों के पास टाइम नहीं था। अब मेरे पास टाइम है इसलिए मैं आ गया हूँ मैंगलोर को एक्सप्लोर करने के लिए। मैंगलोर में कुछ फेमस फूड है वो ट्राई करूँगा मैं, और यहाँ पे कुछ प्लेसेस है वो विज़िट करूँगा। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको भी दूंगा मैं। यहाँ पे ऑटो का सिस्टम थोड़ा अलग था। रेलवे स्टेशन पे प्रीपेड ऑटो करना पड़ता है, मतलब सब लाइन में खड़े होते हैं, वन बाई वन ऑटो आता है और वहाँ पे एक बंदा है वो कहाँ पे जाना है वो पूछता है। हम बोलते हैं ये होटल, तो फिर वो 5 रुपीज़ वो चार्ज देता है और एक पर्ची देता है जिसमें ऑटो वालों को कितना देना है वो है। तो ये सिस्टम मैंने आपको समझाया। मैं हूँ अपने होटल पे। होटल का नाम है होटल हनुमान, रेलवे स्टेशन से नज़दीक है। मेक माई ट्रिप से मैंने 800 रुपये में इसे बुक कर दिया। होटल ठीक ठाक है, 800 रुपये के हिसाब से देखिए। टूर की जो शुरुआत है वो ताजमहल कैफ़े से शुरू किया, लेकिन वहाँ पे मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा था। अभी सिर्फ मिली सर्व हो रहा था। मुझे खाना था टुप्पा डोसा और मैंगलोरियन बन। उन्होंने बोला कि वो 3 बजे के बाद मिलता है, अभी ब्रेकफास्ट का जो आइटम है वो नहीं मिलता है। अब मैं जा रहा हूँ मछली सी फूड रेस्टोरेंट। वो काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है सी फूड के लिए, और मुझे वहाँ पे एक चिकन घी रोस्ट खाना है और मैंगलोरियन फिश करी खानी है। तो वो ट्राई करने के लिए चलते हैं मछली रेस्टोरेंट। तो दोस्तों ये है वो रेस्टोरेंट मछली। यहाँ पे आके मैं थोड़ा शॉक हो गया। यहाँ पे बहुत सारा रस है, मतलब लोग बाहर लाइन में खड़े हैं खाना खाने के लिए, और मेरा नंबर जल्दी लग गया। क्यों? क्योंकि मैं अकेला था। तो एक टेबल था जहाँ पे एक गेस्ट खाना खा रहे थे, उसी के साथ मैं बैठ गया। दूसरी एक शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे पूरा फिश थाली मिलता है। फिश थाली का कॉस्ट 80 रुपीज़ है बोलिए, लेकिन मैंने फिश थाली अभी ऑर्डर नहीं की है। मैंने ऑर्डर किया है घी रोस्ट, वो यहाँ का बहुत फेमस है, तो पहले मैं घी रोस्ट ट्राई करूँगा। तो ये है घी रोस्ट, और ये यहाँ का दूसरा एक ड्रिंक है फ्रेश लाइम सोडा। तो दो चीज़ मैंने ऑर्डर करवाई है, घी रोस्ट और लाइम सोडा, वो पहले ट्राई करेंगे। ज़बरदस्त, इसका जो टेस्ट है वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है भाई। मुझे तो बहुत 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 अच्छा लगा। इसके टेस्ट का कोई जवाब नहीं है, फैन बन गया हूँ मैं इसका। आप मैंगलोर आते हो तो ये रेस्टोरेंट में स्पेशली आएगा। मुझे पता चल गया यहाँ पे इतनी लाइन क्यों थी। तो ये एक मील है, फिश मील कहते हैं, इसका कॉस्ट 80 रुपीज़ है। इसके साथ मैंने एक फिश मंगवाई है, चॉकलेट फिश। मील लेते वक्त ये लोग पूछते हैं कि आपको कौन सा राइस चाहिए। यहाँ पे दो तरह के राइस होते हैं, एक होता है बॉइल्ड राइस, दूसरा होता है ये नॉर्मल राइस। तो मैंने नॉर्मल राइस ऑर्डर किया था। अभी ये है फिश करी के साथ राइस। सिंपल टेस्ट और मस्त है। और ये है मेरा प्रॉपलेट, मसाला प्रॉपलेट, जबरदस्त मछली भाई, फ्रेश है ये। जितना तीखा दिखता है उतना तीखा है नहीं, जबरदस्त टेस्ट। खाना खा लिया है, पेट भी भर गया और मन भी भर गया। फूड को तो मैं 100 out of 100 दूंगा, मस्त फूड था। टोटल बिल हुआ मेरा 800 रुपीज़।
थाली जो थी वो 75 रुपीज की थी, वो मसाला पॉपलेट थी 415 रुपीज की थी, जो घी रोस्ट था वो 180 के आसपास का था, वो जो लाइम सोडा भी थी, तो वो सब मिला के टोटल बिल मेरा 800 हुआ। लेकिन वैल्यू फॉर मनी, फुल पैसा वसूल जगह थी। तो ये एक अच्छा डिसीजन था मेरा ये होटल पे आना, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट है। 2 बजे इतना रश था समझिए, तो रात को आता मैं तो क्या होता, अच्छा हुआ मैं दिन में आ गया। तो ये जगह तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा यहाँ पे आके फिश ट्राई करने के लिए। अब यहाँ से हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। चल, खाना खाने के बाद अब मैं आ गया हूँ हम्पन कट्टा मार्केट। प्रोनाउंस में ठीक कर रहा हूँ या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही नाम है हम्पन कट्टा मार्केट। और हर सिटी में एक मार्केट होता है बड़ा, तो ये मैंगलोर का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पे आपको सब्जी भी मिल जाएगी, फिर जो भी शॉपिंग करनी है वो सब आइटम मिल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, यहाँ पे मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे एक दुबई मार्केट है, एक बिल्डिंग है जिसे ये लोग दुबई मार्केट कहते हैं। वहाँ पर होलसेल रेट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आपको सस्ते दाम पे कुछ चीज़ें चाहिए तो दुबई मार्केट आ जाइए। अभी मैं जा रहा हूँ दुबई मार्केट। तो ये जो बिल्डिंग है सिटी मार्केट, उसे दुबई मार्केट भी कहते हैं। दुबई मार्केट का बेसमेंट का एरिया है, और यहाँ पे मुझे मोबाइल शॉप और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान ज़्यादा दिख रही है। दुबई मार्केट इसका नाम इसलिए है क्योंकि पहले यहाँ पर दुबई से बहुत सारा चीज़ आता था और बिकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल का मार्केट बन गया है, और पूरे मैंगलोर में मोबाइल रिलेटेड जो भी काम होता है वो यहीं से होता है। वो एक शॉप लाइट की है, उसके बाद दूसरी शॉप है वो बैग की है, बाकी सब शॉप मोबाइल्स की है। ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, ये बैग की शॉप है। तो ये साइकिल, फ्लावर पॉट, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ये सब मिलता है यहाँ पे। सस्ता लेना है आपको, पैसे बचाने हैं तो ये मार्केट में आ जाइए, और या फिर आपके सिटी में आपकी शॉप है टॉयज़ की या फिर लाइट की, साइकिल की, आर्टिफिशियल चीज़ों की, तो भी आपको यहाँ से होलसेल रेट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मार्केट का टूर अब यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ कादरी मंजूनाथा टेम्पल, काफ़ी फेमस टेम्पल है मैंगलोर में। तो दोस्तों, मैं हूँ अभी कादरी मंजूनाथा टेम्पल के अंदर। ये कॉम्प्लेक्स है यहाँ का, मंदिर उस तरफ है। तो ये मंदिर का एंट्री गेट है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, बीच में मंदिर है और ऊपर दूसरा मंदिर है, और ऊपर 2 मंदिर है, एक हनुमान जी का और एक काल भैरव। तो दोस्तों, ये मेन मंदिर है भगवान शिव का, और ये पूरा स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है, तो काफ़ी बड़ी जगह है। और जब आप यहाँ पे अंदर से ऊपर आओगे तो यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा है। और जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत ही काम और पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। 2 बजे के बाद 2 से 4 या 1:30 से 4 ये मंदिर बंद रहता है। यहाँ से और ऊपर जाएंगे तो काल भैरव का मंदिर है, 90 स्टेयर ऊपर जाना है तब जाके वो मंदिर आएगा। तो ये है काल भैरव मंदिर, काफ़ी पीसफुल मंदिर है, पब्लिक भी ना के बराबर है, तो काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए हमारे। तो ये काफ़ी बड़ा मंदिर है, मुझे लग रहा है मैंगलोर का सबसे बड़ा मंदिर यही है, और अगर आप मैंगलोर में आते हो तो ये मंदिर को आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। और मेरे साथ ये अंकल है सीताराम जी, वो चेन्नई से आए हैं, हमारी बात हुई, तो वो एवरी मंथ या एवरी 2 मंथ में 5 से 6 दिन निकाल के कहीं भी घूमने जाते हैं। तो हमारी मुलाकात हुई, काफ़ी अच्छी बातें हुई, और हमारे स्टेट, उनके स्टेट, दूसरे स्टेट की भी कई सारी बातें हुई।
तो अच्छा लगा इस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करना भी। तो दोस्तों मंदिर बहुत ही ज़बरदस्त था, अंदर मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त, आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। मैं जा रहा हूँ पलम्बूर बीच, मैंगलोर का सबसे फेमस बीच है ये। आप मैंगलोर में ऑटो हायर करके जाओगे मैंगलोर रेलवे स्टेशन से या फिर केदार टेम्पल से या कहीं से भी आप ऑटो लेके वहाँ पे जाओगे तो तकरीबन 11 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है और ऑटो वाला आपसे 300 रुपीज़ चार्ज करेंगे। तो कोई भी आपको 300 से ज़्यादा बोले तो मत जाना, 300 में आप जा सकते हो और इतना फेयर प्राइस है क्योंकि वो यहाँ से 14 किलोमीटर दूर है, उतना तो होगा ही। दोस्तों मैं आ गया हूँ अब पलम्बूर बीच पे। एंट्री होने पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कुछ स्टॉल है, ये बड़ा सा एक सर्कल है जहाँ पे बैठ सकते हैं और ऊपर एक लाइट टावर है। तो दोस्तों मैंगलोर में 2-3 बीचेस है, लेकिन जो पलम्बूर बीच है वो सबसे बड़ा और पॉपुलर बीच है, टूरिस्ट यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा दिन हो तो आप दूसरे 2 बीच है, एक तनवीर भाविकर के बीच है और एक दूसरा बीच है, वो भी आप विजिट कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ अगर आपके पास कम दिन है तो किसी एक बीच पे जाइए और क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड कीजिए। ये बीच एरिया है, यहाँ पे पीछे कुछ खाने पीने के स्टॉल है। बीच काफ़ी मस्त है और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो बीच साइड काफ़ी सारे रिसोर्ट भी है तो वहाँ भी स्टे कर सकते हो। तो अगर आप 2 दिन प्लान कर रहे हो मैंगलोर में तो एक दिन सिटी में रुकिए, एक दिन रिसोर्ट में यहाँ पे बीच साइड रुकिए। वहाँ तक जाता है, अभी उतने दूर जाने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वापस मुझे जाना भी है और ये जो बीच है वो मेन सिटी से 14-15 किलोमीटर दूर है, तो रात को 8 या 8:30 बजे तक हमें ऑटो मिलता है यहाँ। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है बीच पे जो कुछ स्टॉल है वहाँ पे कुछ फूड ट्राई करने का। कितने का एक ये वाला 50 3 स्टॉल थे, इनो पे फ्रूट्स और बेल बस उतना ही मिल रहा था। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स है, यहाँ पे गन्ने का जूस है। कितना है एक ग्लास का? 30 रुपीस एक बनाओ ना। गन्ने का रस 30 रुपीस। तो दोस्तों बीच से अब मैं वापस सिटी में जा रहा हूँ, अभी बजे है 7:30, तो टाइम पे मैं सिटी में पहुँच जाऊँ वरना हो सकता है 8 बजे के बाद मुझे ऑटो ना मिले। तो दोस्तों बीच से अब मैं आ गया हूँ श्री गोकर्णनाथा टेम्पल पे और ये टेम्पल पूरा गोल्डन गोल्डन लग रहा है, देखिए। तो ये मंदिर का एंट्री गेट है, अंदर आने के बाद आपको ये हनुमान जी का मंदिर है, फिर साईं बाबा का मंदिर है और बाहर ये नंदी है और अंदर मेन मंदिर है। ऑटो वाले से पूछा तो उसने बोला कि ये मंदिर बंद हो जाता है, फिर मैंने गूगल पे सर्च किया तो पता चला ये 9:30 बजे तक खुला रहता है, तो मैंने उसको बोला कि भाई तू सीधे मंदिर पे ले ले, बंद होगा तब देखा जाएगा, लेकिन ये मंदिर बंद नहीं है। अब पहले मैं जाऊँगा दर्शन करने और उसके बाद मैं आके मिलता हूँ आपसे। तो ये मंदिर भी ज़बरदस्त है भाई, दोनों मंदिर जो मैंने पहले विज़िट किया था और ये मंदिर, दोनों में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर अलाउ नहीं था, लेकिन जो बाहर का कैंपस है वहाँ पे मैं शूट कर सकता हूँ। दोनों मंदिर काफ़ी ब्यूटीफुल है और मस्ट विज़िट टेंपल है। तो आप अगर मैंगलोर आते हो या मैंगलोर के नज़दीक भी आते हो तो भी ये मंदिर को ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही मस्त मंदिर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बजे है और 8:30 बजे मेरी ट्रेन है, लेकिन उससे पहले मैं आया हूँ ताजमहल कैफ़े में नाश्ता करने।
कल मैं आया था लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो अब आज आया हूँ। ब्रेकफास्ट के लिए मैंने ऑर्डर किया है टुप्पा डोसा, और यहाँ पे मैंगलोरियन बन मिलते हैं जो काफ़ी फेमस है, तो वो मुझे टेस्ट करना था तो मैंने वो मंगवाया है। तो ये है मैंगलोर बन, इसका जो टेस्ट है वो अंदर से स्लाइड स्वीट जैसा है, तो इसे बोलते हैं टुप्पा डोसा। इसके साथ ये सांभर मिलता है, ये चटनी है, और मैंने एक चाय मंगवाई। जल्दी जल्दी ये ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन भी पकड़नी है, और बाद में मैं इसका जो भी रिव्यू है वो आपको देता हूँ। टुप्पा डोसा तो ठीक ठाक था, वो उतना कुछ खास नहीं था। मैंगलोर बन था वो अच्छा था, वो आप चाय के साथ या फिर जो यहाँ पे सूखी सब्जी मिलती है उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। कि मेरा बिल हुआ है 125 विद GST, तो ये है मेरा बिल। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन। एक ख़ास बात ये रही कि मैंने टुप्पा डोसा मंगवाया था और चाय मंगवाई थी और बन, फिर उन्होंने बिल दे दिया 125 रुपीज़ का। उसके बाद मैंने एक और चाय मंगवाई लेकिन उन्होंने उसका बिल नहीं दिया। वो इसलिए उन्होंने बोला कि आपको टुप्पा डोसा पसंद नहीं आया इसलिए हम नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो नया बंदा है वो ठीक से नहीं बना पाया आज। वैसे टुप्पा डोसा सॉफ्ट रहता है लेकिन आज काफ़ी हार्ड था, तो उन्होंने वो पैसे बिल में ऐड नहीं किए। ये जो टूर है वो अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी मुझे ऑटो लेना है और रेलवे स्टेशन जाना है। मैं जा रहा हूँ उडुपी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने जितना हो सके उतना डिटेल आपको दिया, और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।